तो so फ्रेंड्स अपने ऑफिशियल रिलीज डेट के पहले ही चेहरे मूवी को एक दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया गया है जिसको रात के आठ बज के पैंतीस मिनट पर रिलीज़ कर दिया गया था जो कि काफ़ी अच्छी बात रही है इस मूवी के नजरिए से हालांकि इसको रात में ज़्यादा ऑडियंस ऑक्यूपेंसी नहीं देखने को मिली है लेकिन यहाँ सुबह से ही इसको बहुत अच्छी ऑडियंस एक्वेंसी देखने का दावा किया जा सकता है थिएटर और लोगों के द्वारा हालांकि इस मूवी को लगभग चार से पाँच हजार स्क्रीनों पर रिलीज़ कर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात रही है चार से पाँच हजार स्क्रीनों पर इस मूवी ने रिलीज होकर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है जो कि कोरोना टाइम के बाद फिल्म बेल बटम के पास सबसे ज़्यादा स्क्रीनों पर रिलीज़ करने वाली फिल्म भी बन चुकी है अगर बात करें शानदार मूवी के धमाकेदार स्टारकास्ट के बारे में तो इस शानदार मूवी के धमाकेदार कास्ट में आप सभी को अमिताभ बच्चन इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती देखने को मिले हैं जो कि अपनी एक्टिंग की बर्थ इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग भी की है और इस मूवी को सुपर ही ब्लग बस्ट बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा भी हाथ रहेगा हालांकि आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि इसका पहले दिन का कितना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और क्या कुछ हो सकता है इसके आज तक के नाइट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो आज की वीडियो में हम यही सब बात करेंगे तो इसके आज का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है वो हो सकता है लगभग अठारह से के तीस करोड़ के बीच का इस बीच इसको लगभग पचहत्तर परसेंट ऑक्युपेंसी का भी सामना करना पड़ेगा ऑडियंस के द्वारा और ऑडियंस लोग इसको बार बार देखने के लिए चाह रहे हैं क्योंकि लगभग डेढ़ साल के बाद भारतीय सिनेमा घर में कोई ऐसी मूवी रिलीज़ की जा रही है जिसकी स्टोरी गाने बहुत अच्छे अच्छे माने जा रहे हैं उम्मीद है दोस्तों आपसे भी कोई इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो आप भी जाके चेहरे मूवी को एक बार जरूर देखें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय जय हिंद भारत बाय बाय सब्सक्राइब कर बॉक्स करें बुसंग को बेलाइकन जरूर हिट करें ताकि इसी लेटेस्ट आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके